चारा घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा मिलने पर उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सीबीआई विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को भूल गई है क्या। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, इसके ऊपर हाईकोर्ट में हमने इस मामले को रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट में लालू जी के पक्ष में फैसला होगा। लालू जी की सजा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा, लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। तेजस्वी ने कहा कि ऐसा लगता है कि चारा घोटाले के अलावा और कोई घोटाला इस देश में हुआ ही नहीं। बिहार में लगभग 80 घोटाले हुए, आखिर सीबीआई, ईडी, एनआईए कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक घोटाला है और एक नेता है, सीबीआई विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को भूल गई। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी, फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आज़ादी से अब तक चारा घोटाला, हम कहते कि अब तो सजा हो गई, भूल जाइए, और घोटाले कौन कौन से भाई, कितने घोटाले हुए देश में, अरे देश की छोड़िए बिहार में बताइए कि उसके बाद से कोई घोटाला ही नहीं हुआ क्या? लगभग 80 घोटाले हो गए, वेयर इज सीबीआई, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी और कहाँ है इनकम टैक्स और इंटरपोल, एनआईए कहाँ है? हम तो पूछना चाहते कहाँ है भाई, कितनी तेजी, और देश में केवल एक ही नेता, एक ही घोटाला, गजब की एजेंसी है भाई, पीठ थपथपा रही है, ये तो तुत्तक का काम करती है, इसमें तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लालू जी थोड़े से क्या सक्रिय हुए बेचारे, आप सब लोग जान रहे हैं कि तबीयत उनकी खराब थी, है भी, वो तो राष्ट्रीय अधिवेशन था तो उसमें उनको रहना ही था, थोड़ी सी क्या सक्रियता हुई, अब तो 24 का ज्यादा दिन चुनाव का बचा है नहीं ना, तैयारी तो अभी से शुरू हुई, यूपी चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारी हो जाएगी, तो थोड़ी सी सक्रियता आती है और सीबीआई जो है विजय माल्या जी को भूल जाती है, नीरव मोदी जी को भूल जाती है, ललित मोदी जी को भूल जाती है, मेहुल चौकसी भाई को भूल जाती है, कुछ दिन पहले 23,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे उनको भूल गई। अरे ये देश से कैसे बाहर चले गए, हमको हनीमून पे जाना था, मेरे लिए लुकआउट नोटिस था, हमको कोर्ट से लुकआउट नोटिस हटवा करके बाहर जाना पड़ा, हमने कौन सा अपराध किया था जो हम पे भी लुकआउट नोटिस था? हम तो कहना चाहते हैं भाई इन लोगों के लिए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, क्या इन लोगों के लिए लुकआउट नोटिस नहीं था क्या? पूर्व डिप्यूटी सीएम ने कहा कि अगर लालू यादव ने बीजेपी से हाथ मिला लिया होता तो वह राजा हरिश्चंद्र कहे जाते, आज वह आरएसएस बीजेपी की ताकतों से लड़ रहे हैं, इसलिए जेल की सजा हो रही है, हम इससे डरेंगे नहीं। आज भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ देश में कोई नेता नहीं बोलता, जहां लालू जी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है कि अन्याय, असमानता से तानाशाही, जुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा, डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उनके हौसले क्या तोड़ेगी
सलाह की। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।